प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप पालक, इसे मैंने अच्छे से धोकर बारीक कट कर लिया है। 1 कप हरा धनिया, 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े प्याज कटे हुए, 1 टमाटर, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून दही, 2 हरी मिर्च, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला 1 स्पून, धनिया जीरा पाउडर 1 स्पून, लहसुन और अदरक, खड़े मसालों में मैंने लिया है तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची और कसूरी मेथी और नमक। अब हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर। यहाँ मैंने पैन रखा है गरम होने, इसमें अब हम तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे हमारे खड़े मसाले। प्याज, इसे अब हम 1-2 मिनट पकाएंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है जिससे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इसमें अब हम पालक डालेंगे, इसे हमें कट करने से पहले अच्छे से धोना है। अब हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। इसे हम 1 मिनट पकने देंगे। इसमें अब हम डालेंगे हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1-2 मिनट पकाएंगे। इसमें अब हम डालेंगे टमाटर, इसे भी हम मिक्स करेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे हम 1 मिनट पकने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर लेंगे और इसे ठंडा करके मिक्सर में इसे पीस लेंगे।
यहाँ मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। यहाँ मैंने एक पैन रखा है गरम होने, इसमें अब हम तेल डालेंगे और उसे गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें अब हम ये प्यूरी डालेंगे। इस तरह से इसे हम मिक्स करके 3-4 मिनट इसे पका लेंगे। तीन से चार मिनट हम इसे पकाएंगे। ये प्यूरी बारीक करते वक्त मिक्सर में इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले हैं आप उसे निकाल के भी रख सकते हैं। इसे इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है 1-2 मिनट। इसमें अब हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके हमें 1-2 मिनट और पकाना है। इसमें अब हम दही डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 3-4 मिनट पका लेंगे। 1-2 मिनट इसे पकने देंगे। इसे हम ढककर 1-1.5 मिनट पकने देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम पनीर डालेंगे अब हम इसे स्पून से इस तरह से टर्न करेंगे। इसमें अब हम कसूरी मेथी डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 मिनट हम इसे पकने देंगे। सब्जी हमारी पक चुकी है, अब हम गैस बंद करके इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारा हैदराबादी पनीर। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।